रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। बहजोई में इस्लामनगर बस स्टैंड के पास अलीगढ़ चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर अस्पताल में 7 महीने के बच्चे की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने थाने में दी तहरीर व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी गई लिखित में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। बहजोई क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों की बल्ले बल्ले आखिरकार क्यों नहीं होती, इन पर कार्रवाई। जनपद संभल के औलपुर मैथरा निवासी सतीश कुमार पुत्र छत्रपाल का कहना है कि मेरी लड़की जिसकी उम्र 7 माह थी, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद मैंने अलीगढ़ चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर अस्पताल में भर्ती कराया। उसी दौरान डॉक्टरों ने मुझे बिना दिखाए मेरी बच्ची को गलत दूसरा ब्लड चढ़ा दिया। जब बच्ची की हालत बिगड़ी तो डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने मेरे लिए अस्पताल से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इस दौरान मेरी बच्ची की मौत हो गई। सतीश कुमार ने अस्पताल कर्मियों के खिलाफ थाने में व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक लिखित शिकायत भी दी और कार्रवाई की मांग की है। मैं आलपुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी बेटी की मेरी बेटी की तबीयत खराब थी तो मैंने इस्लामनगर रोड पर अलीगढ़ चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर के नाम से हॉस्पिटल है, इसमें मैंने 9 तारीख को शाम 4 बजे एडमिट कराई थी। वहाँ पे एडमिट कराई, मेरी बच्ची का वहाँ पे ट्रीटमेंट करा। इसने कहा ठीक है, मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगा। मैंने पूछा डॉक्टर साहब अगर आपके पास की बात हो तो रोकना नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं कहीं दूसरी जगह ले जाऊंगा। डॉक्टर साहब बोले कि हाँ, मेरी फुल जिम्मेदारी है और मैं इस बच्ची को ठीक कर दूंगा। तो वहाँ पे मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस बच्ची को ब्लड चढ़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ब्लड चढ़ेगा, ब्लड की कमी है तो ब्लड चढ़ा दो। तो उसके बावजूद जब इन्होंने ब्लड मंगाया था मेरी बच्ची को, दो दिन उसमें रहा, बोतल ड्रग चलती रही ऐसे ही, फिर बार बार कह रहे ब्लड चढ़ेगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है ब्लड मंगा दो। ब्लड मंगाने के बाद जब इन्होंने मेरे से पहले पैसे जमा करवाए, मैंने कि ठीक है इसका, मैंने अपनी बच्ची का वो ग्रुप भी वो चेक कराया था तो बी पॉजिटिव था मेरी बच्ची का ग्रुप। तो इन्होंने जब मेरे से पहले पैसे जमा करवा के तो ब्लड 10 मिनट में तुरंत ब्लड कहाँ से आ गया। और मैंने पूछा डॉक्टर साहब आपने ब्लड जो मंगाया है इस ब्लड का ग्रुप तो दिखाओ, बैंक ने कौन सा वो दिया है। और फिर उसके बाद भी जब बच्ची को ब्लड चढ़ाने लगे, मैंने कि मेरी बच्ची का ब्लड आपने निकाला नहीं, ये ब्लड चढ़ा रहे हो तो आपको कैसे पता कि ये मैं कैसे मानूं कि ये मेरी बच्ची का यही ग्रुप यही वाला ब्लड चढ़ेगा, ये इसके ग्रुप से मैच कर रहा है। उसके बाद मेरे से उल्टा सीधा चलने लगा, गाली गलौज करने लगा। तो तू डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ। फिर क्या हुआ, बेटी है आपकी? बेटी मेरी एक्सपायर हो गई। फिर इतने के बाद उन्होंने मेरे को धक्का मार के अस्पताल से बाहर निकाले, गाली गलौज करी, बटनी गिरी। मैं ऐसे ही अस्पताल से निकला, मेरी बेटी एक्सपायर हो गई। क्या कार्रवाई चाह रहे हो? अब मैं ये कार्रवाई चाह रहा हूँ और प्रशासन से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और वैजय कप्तान साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि ये ब्लड माफिया का काम करते हैं, पता नहीं कुत्ते का निकालते हैं ब्लड, किस किस चीज का ब्लड लाके लाते हैं। ब्लड चढ़ते ही मेरी बच्ची को बेचैनी हो गई। आपने रुपए कितने जमा करे थे? मैंने रुपया इस पे 16,000 रुपए जमा कर दिए। और भी मांगी थी क्या? और इसने करी थी मेरे से 8,000 रुपए की और डिमांड करी थी।